नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, कुछ कल सुबह हो जाएंगे। और जाने से पहले हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इस ऑपरेशन के बाद में कान के रखरखाव के लिए आवश्यक है और हमें दीर्घकालीन फायदे देगी। सबसे पहले हम सबका इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे। हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश प्रयागराज से पंकज कुमार जी, और नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आशीष जी, और साथ में उनके भ्राता जो उनके सारथी बने और इस मैराथन में यहां तक पहुंचे, और साथ में है आप प्रिंस कुमार जी सहरसा, ये भी मिलिट्री के अभ्यर्थी है सहरसा बिहार से, और शत्रुघ्न जी जिनका ऑपरेशन आज सेकंड डे है, ये आप सहरसा बिहार से हैं, और साथ में है सहरसा से नितिन जी, और साथ में पंकज जी के पिताजी हैं। और हम सभी यहाँ पर इस मंच पर अशोक बेस्ट हेल्थ केयर जयपुर पे उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जिन पर हम काफी बार कर चुके हैं चर्चा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन बिंदुओं को अच्छे से समझ लेंगे ताकि इस कान की जो पट्टी है या ड्रेसिंग है इसको हम भली भांति प्रकार से घर पर बिना किसी चिकित्सीय सहायता के स्वयं कैसे कर पाएंगे ये सीखेंगे। ठीक है, 10 दिन बाद में ऑपरेशन के ठीक 10 दिन बाद में हम इस ड्रेसिंग को हटाएंगे जो माइक्रोकोर टेप से चिपका हुआ है। हम देख सकते हैं, पास दिखाइए, ये ड्रेसिंग है हम देख पा रहे हैं, और एक बार कान का पिछला हिस्सा दिखाइए, ये हम देख पा रहे हैं, ये आंतरिक विधि द्वारा किया गया है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चीरा कट निशान नहीं है। ठीक है, कान के छेद पर ये गॉज पीस रखा हुआ है, 10 दिन होने के उपरांत हम अच्छे से साबुन से हाथ धोएंगे। ठीक है, हैंड वॉश करने के बाद में प्रेशर कुकर में, साथ ही में पैरेलल क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में कुछ रुईया डाल करके बॉइल करने के लिए रख देंगे एक घंटे के लिए, तो वो जीवाणुवाहित हो जाएगा कॉटन। ठीक है, 1 लीटर पानी कुछ कॉटन डाल करके हमने 4 सीटी लगा दिया, साथ ही साथ में हाथ अच्छे से साबुन से धो लेंगे, और धोने के बाद में अल्कोहल या सैनिटाइजर से हाथ अच्छे से साफ करने के बाद में, और इस रुई को हम स्वयं ही हटा देंगे, इस माइक्रोपोर को हटाएंगे तो ये गॉज पीस निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, कान के छेद में हम देखेंगे कि हमें क्या होगा कि ये रील मिलेगा, कान के छेद पे रखा हुआ मिलेगा ऐसे। ठीक है, और इसका कलर ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है। ठीक है, और ये हार्ड हो सकता है या सॉफ्ट हो सकता है। अगर हार्ड है, कड़क है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल देंगे, 20 बूंद ड्रॉप डाल करेंगे, सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसे निकालना आसान हो जाएगा, तो जैसे ही इसे हम खींचेंगे ये निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जो रोल आपका बाहर आ जाएगा, इसको निकालने के बाद हमें कुछ लाल भूरे रंग का द्रव्य नजर आ सकता है, मेडिसिन नजर आ सकती है, उसे हमने जो कॉटन बॉइल किया उससे इसे क्लीन कर लेंगे और पिक्चर मुझे शेयर करेंगे। ठीक है, संतुष्टि के लिए। और इस दौरान ऑपरेशन के बाद में हमें क्या क्या रखरखाव रखने हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो आप पढ़ करके एक बिंदु हमसे डिस्कस करेंगे। अभ्यर्थियों को कोई किसी बिंदु पे संदेह हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़िए, कान के ऑपरेशन के बाद रखरखाव की जानकारी। जी, 1 नंबर है, खुराक पूरी लेवे, ठंडी खाद या पेय पदार्थ का सेवन ना करें। जी, देखिए अभ्यर्थियों के मन में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये होता है ऑपरेशन के बाद में कि क्या खाएं क्या ना खाएं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस पे बहुत कम चर्चा हो पाती है। डॉक्टर अपनी दवा लिखने में बिजी होता है, अगले ऑपरेशन के लिए बिजी होता है, पर ये बात हमेशा अछूती रह जाती है, डिस्कस नहीं हो पाती। हमें हेल्दी प्रोटीन डाइट लेनी है जो कि मिलिट्री के अभ्यर्थी या यंग जो भी हमारे जवान ले रहे हैं। ठीक है, लगभग 1 ग्राम प्रोटीन हमें डेली लेना है, 1 ग्राम 60 kg वेट है तो लगभग 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है, जो दाल और शाकाहारी जो अपनी चपाती गेहूं चावल उनमें सब में 7% प्रोटीन होता है, और जो एग्स वगैरह नॉनवेज लेते हैं वो उससे वो अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास में दाल एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसके अलावा पनीर दूध इनमें भी प्रोटीन एडिक्वेट है, तो लगभग 1 मिलीग्राम पर के जी बॉडी वेट 60 मिलीग्राम प्रोटीन टोटल हमें दिन भर में लेना है। ठीक है, उसके साथ में हमें अपना कार्बोहाइड्रेट मतलब सब्जियां दाल चावल जो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि सीजनल फल हमारे पास उपलब्ध हो फल हम सेवन करेंगे, बस शर्त यह है कि वो ठंडा फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाहर से जूस निकलवा के नहीं पीना है। बार कोई फोन कर रहा है मुझे पूछ रहा है सर मैंगो शेक ले लें क्या, सर पपीता शेक ले लें क्या, नहीं, आप फल पूरा लीजिए काट करके खाइए। एक तो उससे इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं रहेगा, साफ सुथरा हम स्वयं काट के खाएंगे, दूसरा ताजा लेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाएगा, रीलिंग अच्छी रहेगी, ठीक है, पेट भी ठीक रहेगा फाइबर डाइट लेने से। पेट कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, ऑपरेशन के बाद में कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से कुछ हमारे डाइटरी बिहेवियर में चेंज की वजह से कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, कब्ज, ठीक है, कब्ज ज्यादा होने पर आप मुझे फोन करके दवा लिखवा सकते हैं, और नहीं तो डाइट से वो ठीक हो जाएगा, हाई फाइबर जब हम डाइट लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। क्या नहीं लेना है, बर्फ, बर्फ के द्रव्य, कोल्ड ड्रिंक्स वो नहीं लेने हैं, आइसक्रीम नहीं लेने हैं अगले दो तीन महीने के लिए, जब तक कि आपकी भर्ती ना हो जाए, आप मेडिकल क्लियर ना कर लें तब तक आप स्किप कर दें बर्फ को, बर्फ नहीं खानी, ठीक है, क्योंकि बर्फ से पर्दे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जुकाम होने पर हमारे पर्दे पर नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आंख के आसपास सूजन हो तो चिंता ना करें जी, पट्टी खोलने पर अपने आप ठीक हो जाएगी जी, पट्टी ढीली करवा लें जी। देखिए ये आंख के आसपास सूजन वाला बिंदु उन केसेस के लिए है जहां बड़ी सर्जरी होती है, चीरा लगाकर, जहां कान के पिछले हिस्से पे हम बड़ा चीरा लगा के सर्जरी करते हैं। आप लोगों के केस में ये सर्जरी हम देख पा रहे हैं, पूर्ण आंतरिक है, यहाँ किसी प्रकार का कोई कट निशान नहीं है, आप ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा किया गया, तो हमारे इस केस में यहाँ कोई चीरा नहीं है, तो ये बिंदु जिसमें आपके चारों तरफ सूजन आती है या स्वाद में बदलाव मिलता है या आंखों पे सूजन आ जाती है, तो ये इस तरह के कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो हम उन सब चीजों से बच गए। फिर भी हमने इस लिस्ट में रखा गया है, कुछ केसेस में ऐसा पद्धति भी अपनानी पड़ती है, ठीक है। आगे ऑपरेशन के बाद जी स्वाद में बदलाव आ सकता है जी, क्योंकि स्वाद की नस कान के मध्य में होती है जी। देखिए स्वाद की नस भी आपकी सुरक्षित रही इस पद्धति में तो स्वाद में बदलाव नहीं आएगा। स्वाद में बदलाव आ सकता है, जैसे कि एक अभ्यर्थी ने भी मुझे फोन किया स्वाद में बदलाव आ रहा है, तो वो दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, कान पर लगी पट्टी 7 से 10 दिन के भीतर खोल ले। 10 दिन बाद का हम आइडियल टाइम लेके चलते हैं, क्योंकि ट्रेवलिंग में पर्दे को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। और दूसरा जेल फोम को सपोर्ट करने के लिए, और जेल फोम जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है कान के अंदर ब्राउन कलर का, वो हमारा पर्दे को सपोर्ट कर रहा है, तो ये ड्रेसिंग हम जो है 10 दिन के लिए रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो ड्रेसिंग है हमारे ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग साइट को भी हीलिंग के लिए अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, ड्रेसिंग है ये, तो ऐसे 10 दिन बाद में हम सोते ही जैसे कि मैंने बताया अभी उस प्रकार से निकालना है। नेक्स्ट, ऑपरेशन के बाद कान में पानी से बचाव रखना है। सामान्य रूप से हमें कान जो पानी से बचना है नहाते वक्त या अन्य जब आप फेस वॉश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कान को भीगने से बचाना है, पानी को कम से कम लगाना है। आप चेहरे को एक अच्छे टॉवल से साफ कर सकते हैं, पानी निचोड़ करके उसको डिटॉल डाल करके उससे क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन के बाद 90 दिन तक भारी वजन नहीं उठाना है। आप जो एसएससी जीडी सेना पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी प्रैक्टिस रनिंग वेट लिफ्टिंग 45 दिन बाद शुरू कर सकते हैं जी। हमें क्या नहीं करना है, एक तो वेट लिफ्टिंग ऐसा प्रेशर जिसमें पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है, जब हम हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या लॉन्ग मैराथन दौड़ रहे हैं उस वक्त क्या है कि हम मुंह खोल करके दबाव बनाते हैं, तो जो दबाव है गुब्बारे फैलाने वाला दबाव कान के पर्दे पर ट्रांसफर होता है, तो पर्दे पर विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम वो अवॉइड कर रहे हैं। सिंपली ऐसा नहीं कि हमारी क्षमता क्षीण हो गई है या ब्लड लॉस हो गया, ये इसलिए सिर्फ कि ये पॉजिटिव प्रेशर जो है जो कि अक्सर वेट लिफ्टिंग में हम बनाते हैं जो प्रेशर, वो पर्दे पर ट्रांसफर ना हो उसके लिए, ठीक है, तो वो नहीं करना है। 45 दिन बाद में आप सामान्य रूप से सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, छींक या खांसी आने पर मुंह खोलकर छींकना है जी। नाक की जोर से सफाई 30 दिन तक नहीं करनी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, अभी मौसम बदल रहा है और मेरे पास काफी अभ्यर्थियों के फोन आ जाए हैं कि जुकाम हो गई है, छींके आ रही है, पर हमें ऐसी स्थिति छींकने की स्थिति बनने पर मुंह खोल के सांस लेनी है, ताकि ये दबाव जो बन रहा है ये पर्दे पर ट्रांसफर ना हो, ठीक है। जब भी छींकें
मुंह खोलिए, मुंह खोलिए सांस लें ताकि प्रेशर पर्दे पर ट्रांसफर ना हो। छींकते और खांसते वक्त अत्यधिक प्रेशर बनता है, बहुत अच्छा प्रेशर बनता है, लगभग 40 न्यूटन तक प्रेशर बनता है। तो वो प्रेशर जो है आपके डिफेंस मैकेनिज्म है लैरिंग्स को, फेफड़ों को बचाने के लिए, साफ करने के लिए है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, मुंह खोलकर सांस ले लेना है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट, पट्टी खोलने के बाद जी लाल रंग का पानी 1 महीने तक कान से आ सकता है, ठीक है। ड्रेसिंग हटाने के बाद ही आपको दिखेगा कि कान के अंदर गाढ़े लाल रंग का द्रव्य है, सीमेंट है, उसे डरना नहीं है। वो बह करके बाहर भी आ सकता है और सूख करके एक ड्रॉप में भी आ सकता है, ठीक है। ये हर राज्य की क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी और अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, कुछ बूंदे खून की खांसी के साथ आ सकती है, कोई घबराने की बात नहीं। बिल्कुल, अभी हमने देखा, आज भी हमने सुबह डिस्कस किया था कि गले में होने वाली गतिविधियां कान में महसूस हो रही है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं एक नली के द्वारा, जिसे यूस्टिक एंड ट्यूब कहते हैं। तो जब कान का ऑपरेशन हुआ तो अंदर अगर कुछ लाल द्रव्य या एक आध खून गले में नजर आ सकता है, उसे डरना नहीं है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, सामान्य बात है। जिस मरीज को जुकाम की परेशानी रहती है उसको ऑपरेशन से करीब 2 महीने बाद एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए। जिन व्यक्तियों को बचपन से यह लगातार एलर्जी है, उन्हें एलर्जेंस को पहचानना चाहिए। एलर्जी के लिए हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट होता है, उस टेस्ट के द्वारा कंप्लीट एलर्जी बुक बन जाती है, जिसमें विभिन्न पदार्थों, दवाइयों और जो डेली रूटीन में आने वाली चीजें हैं उन सब के लिए वो बुक बन जाती है। उन एलर्जेंस की पहचान हो जाती है और उन एलर्जेंस की पहचान होने के बाद में हम उनसे बचाव करके एलर्जी से बच सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द कंटिन्यूस कि हम उसके लिए गोली लेते रहें। उससे बेटर क्या है, एलर्जन को ही पहचान लिया जाए कि मुझे भिंडी से एलर्जी है या मुझे पर्टिकुलर पाउडर से एलर्जी है या मुझे पर्टिकुलर खुशबू से या अगरबत्ती से एलर्जी है, तो हम उसको बचाव करके एलर्जी से बच सकते हैं। ऑपरेशन के बाद बाहरी कान सुन रह सकता है जो कि समय के साथ सही हो जाता है। जी, कान का सुनापन, भारीपन, ये सब सामान्य बातें हैं, इनसे डरना नहीं है। आपका पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा बिना बाह्य चीरे के हुआ तो ये सुन्न रहने की समस्या आपके लिए नहीं है, ये उन केसेस में ज्यादा होता है जहाँ हम बाह्य विधि द्वारा ये ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद 30 दिन तक हवाई यात्रा नहीं करनी। हवाई यात्रा हम अवॉइड करते हैं, पर फिर भी हमें अगर किसी वजह से जो सुदूर हमारे अभ्यर्थी हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं या साउथ से आ रहे हैं तो उन्हें हवाई यात्रा करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति में हम उन्हें च्युइंग गम चबाते हुए जाने की सजेशन देते हैं। कान की केयर, पिन या माचिस की तिल्ली आदि से साफ करने की कोशिश न करें। कान पर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट, स्वतः साफ करने का प्रयास, तिल्ली क्लीनिंग बर्ड्स वगैरह का प्रयोग न करें, उससे हम सिर्फ इन्फेक्शन फैलाएंगे, फंगस स्पोर बैक्टीरिया बंदे घुसाएंगे और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इन सब सामान्य जानकारी को हम अनुसरण करते हुए अपने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और कोई बिंदु अगर कोई जानना चाह रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं। आशीष जी, ऑल क्लियर, गुड। हाँ जी, शत्रुघ्न जी, ऑल क्लियर, जी क्लियर, गुड। तो आपके इस ज्ञान को आगे पहुंचाएं, जो लोग अन्य केंद्रों पर ऑपरेट हो गए हैं पर वो जानकारी वहाँ नहीं है, तो इस जानकारी को आगे प्रोपागेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ठीक है, सबके काम आएगी। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में विश्वास टेक्निक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंद।